हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार पांडे गणित विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफार्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आइए हम आपको लेके चलते हैं गणित के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पेपर थर्ड है। इसका टॉपिक है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स पर ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आज का जो टॉपिक है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या होता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, और नॉन जीरो नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर। इट मीन्स कोई हमारे पास मैट्रिक्स हो तो कम से कम एक माइनर ऐसा एग्जिस्ट करता हो जो आर ऑर्डर का हो। दूसरा पॉइंट है एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर इज जीरो, और आर से ऊपर जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे वो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होती है। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई रो ए से डिनोट किया जाता है किसी मैट्रिक्स का रैंक। ये तो था मैथमेटिकल डेफिनेशन। आइए हम समझते हैं कि किसी मैट्रिक्स का हम रैंक निकालते हैं तो बेसिकली निकालते क्या हैं। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने का मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो और कॉलम ऐसे हैं जिसको किसी भी ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन लगाए, एडिशन का या मल्टीप्लीकेशन का, वह कम्प्लीटली जीरो ना हो। यानी कोई मैट्रिक्स हमारे पास अगर ऐसा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसका रैंक 3 है, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है, इसका मतलब इसमें 3 रोज या 3 कॉलम ऐसे हैं जिसको हम पूरी तरह से जीरो नहीं कर सकते हैं। या अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि उस मैट्रिक्स में कम से कम 2 रो और कॉलम ऐसे बचेंगे जिसको कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, कोई भी रो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो उसको हम जीरो नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हम निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का बेसिकली 4 मेथड होता है। पहला मेथड होता है माइनर मेथड या डिटरमिनेंट मेथड, दूसरा होता है यूजिंग रो एंड कॉलम मेथड, तीसरा होता है कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म मेथड, चौथा आपका होता है इचोलेन मेथड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि माइनर मेथड से कैसे किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का। यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉन जीरो रो कितने हैं, 1 2 3, 3 नॉन जीरो रो हैं। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वह 3 है। यानी 3 रो और कॉलम ऐसे हैं जिस पे हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे वह कम्प्लीटली जीरो नहीं होगा। यहाँ पे 1 है, 1 किसी में भी किसी रो या किसी कॉलम में अगर जोड़ें 1 1, वो तभी 1 कांस्टेंट ही रहेगा, इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 1 ही रहेगा, यहाँ भी 1 ही रहेगा। तो इट मीन्स नॉन जीरो रो कितने हैं, नॉन जीरो रो आपका है, नॉन जीरो रो की संख्या काउंट करते हैं इस मैट्रिक्स में 1 1 1 2 3, आप 3 है 1 2 3, यानी 3x3 का जो मैट्रिक्स होता है इसका रैंक 3 है। और कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमेशा उसका रैंक जितने ऑर्डर का वह मैट्रिक्स होता है उतना ही उसका रैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू दिस, इसका हम रैंक देखते हैं क्या होता है। तो माइनर मेथड से देखते हैं, तो सबसे पहले माइनर मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड से किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 2 9 माइनस 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 0 इंटू 4,
फिर माइनस इसका इसका मतलब 4 0 0 माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हो जाएगा -8 + -9 + 8 -1 - 1 इंटू 2 -2, यहाँ से हो जाएगा -4 + 6, 4 to 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आ गई 0। अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं होगा, 3 × 3 ऑर्डर का है उसका रैंक 3 नहीं होगा। तो 3 नहीं होगा तो तब कितना होगा, द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स विल लेस देन 3, 3 से कम होगी। अब 3 से कम होगी, कितना कम होगी आइए देखते हैं। इसको अगर 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो सबसे पहले एक माइनर लेते हैं, यहाँ से एक माइनर ले लीजिए 2 ऑर्डर का, या तो यह माइनर ले सकते हैं या हम यह माइनर ले लें या यह माइनर ले लें। तो हम क्या करते हैं, यह माइनर लेते हैं, माइनर 2 1 0 3, हमने माइनर लिया, यम नाम रखा, यम इज इक्वल टू आया 0 - 3 × 6 -0 इज इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इस माइनर की जो वैल्यू है वह 6 है, वह 0 के बराबर नहीं है। तो माइनर लेते हैं, अब माइनर का जो ऑर्डर होता है वही उसका रैंक होता है। इस माइनर का जो ऑर्डर है वह 2 है, इट मीन्स द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 2। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, यह आपका क्वेश्चन है, इसका हम रैंक निकालते हैं। रैंक निकालने के लिए सेम प्रोसेस से हम डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट हम इसका कैलकुलेट किए हैं तो +4 आया है, +4 0 के बराबर नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 की इक्वल आ जाती तो रैंक एक कम लेते हैं, अगर 0 नहीं आई या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पे आई, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 आई। अगर कोई नंबर आ जाता है डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने पे तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है वही उसका रैंक होता है। तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 × 3 यानी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अतः इसका जो रैंक हो जाएगा, द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 3। नेक्स्ट अगला हमारा रूल है कि रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के हम कैसे किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। अगर हमारे पास 3 × 4 का मैट्रिक्स हो, 4 × 5 का हो, 5 × 4 का हो, वहाँ पे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही कठिन है। तो इससे बचने के लिए हम दूसरे मेथड को अप्लाई करते हैं। दूसरा मेथड जो हमारा है वह है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन मेथड। एक हमने क्वेश्चन लिया, ए की वैल्यू यह है, ए है, ए ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, दोनों को जोड़ने के बाद यह हमारा एक मैट्रिक्स आया। इस मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, रैंक निकालना है बाय रो और कॉलम मेथड। तो हम सबसे पहले ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R1 × R3। R1 और R3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 को R3 की जगह R3 को R1 की जगह इंटरचेंज कर दिया हमने। इंटरचेंज करने पर यह यहाँ चला जाएगा और यह वाला यहाँ आ गया। देखिए उसके बाद हम क्या किए कि जो पहला रो है उसमें हम 8 से डिवाइड कर दिए। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यह 1 1 1 1, 8 by 8 1 8 by 8 1 8 by 8 1। दूसरा ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, तीसरा ऑपरेशन हमको अप्लाई करना है, C2 में से C1 को माइनस कर देना है, C2 - C1, 1 - 1 0, 9 - 8 1, -1 - 0 - 1। दूसरा ऑपरेशन भी अप्लाई करना है, C3 को C3 - C1, तो 1 - 1 0, 10 - 8 2, -2 - 0 - 2, यह ऑपरेशन हमने कर दिया। नेक्स्ट अब दूसरे वाले कॉलम पे, इस वाले कॉलम पे हम अप्लाई करेंगे R2 - 8 R1 करेंगे। इट मीन्स 8 times R1 करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यह आ जाएगा
उसके बाद हमने क्या किया, R3 और R2 को ऐड किया, R3 और R2 को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, R3 कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। फिर तीसरा ऑपरेशन हमने अप्लाई किया C3 माइनस 2C2 का मतलब ये हुआ कि तीसरे वाले कॉलम में से दूसरे वाले कॉलम का दूना करके माइनस कर देना है, तो माइनस जब करेंगे तो यह वाला जीरो हो जाएगा, तो आपका आ गया 1001। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने नॉन जीरो रो हैं, नॉन जीरो रो कितने हैं, 1, 2, यह वाला रो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कम्प्लीटली जीरो आया हुआ है। नॉन जीरो का मतलब ऐसा रो जिसमें कोई ना कोई नंबर हो वह नॉन जीरो कहलाता है, तो यह नॉन जीरो नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। रैंक में हमने बताया कि नॉन जीरो रो को ही काउंट करते हैं, तो नॉन जीरो रो कितने हैं, 1, 2, अतः इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वह इक्वल टू 2 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यहां भी हमने दो ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 माइनस R1, R4 माइनस R2। जब हम अप्लाई करेंगे तीसरे रो से पहला रो और चौथे रो से दूसरा रो जब माइनस करेंगे तो इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। फिर हम काउंट करते हैं कितने नॉन जीरो रो हैं, 1, 2 नॉन जीरो रो हैं और 2 जीरो रो हैं कंप्लीटली, तो नॉन जीरो रो की संख्या 2 हो गई, अतः इससे दिए गए मैट्रिक्स का जो रैंक है वह 2 है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट मेथड और माइनर मेथड से और रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इचेलोन फॉर्म से और नॉर्मल फॉर्म से कैसे किसी दिए गए मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।